बहुत बहुत शुक्रिया नशीद तेली और प्रेरणा जी आप और आप तमाम सामईन का भी ये मौका मिला। जब प्रेरणा जी ने मुझे विषय बताया तो मैं सोचने लगा कि प्रतिरोध की कविता मतलब मैं किसे चुनूं और यहाँ आप लोगों के सामने पेश करूं, तो मुझे ध्यान आया आलोक जी का। उनका नाम आलोक धनवा है, पटना में रहते हैं, मुंगेर पैदा हुए। एक ज़माना था 70 का दशक जब चल रहा था, नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हो गए थे बंगाल में और जन आंदोलनों का वो समय था, वो दौर था। तो उस वक्त आलोक जी की कविताएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनके बहुत पोस्टर बनाए गए और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी कविताओं को गाया गया और उस पर तमाम तरह के प्रेजेंटेशंस हुए। तो मैंने कविता और शुरुआत जब इस प्रोग्राम की हो रही थी तो एक भाई यहाँ बता रहे थे कि मतलब मैं की बात हो रही थी तो मैं बताना ये भी ज़रूर समझता हूँ कि आलोक जी बहुत ही संकोची कवि हैं। मतलब आप सोचिए कि उनकी उम्र तब 70 बरस के पार हो गई है लेकिन उनका एकमात्र ये संग्रह है दुनिया रोज़ बनती है और इसमें मात्र 40 कविताएँ ही संकलित हुई हैं। और आलोक जी की जो ये कविता लिखने की जो शुरुआत है वो 70 के दशक में 1972 में हुई थी, क्योंकि पहली कविता एक वाम पत्रिका आती थी उसमें छपी थी। और उनका जो ये संकलन है 1998 में आता है। तो आप समझ सकते जब 50 साल की उम्र में जब आलोक जी चले गए थे, अब तो खैर आलोक जी ने लिखना भी छोड़ दिया, पता नहीं क्यों लिखते भी नहीं अब तो ये उनकी उनके संग्रह की अंतिम कविता है, इसको मैं यहाँ पेश करना चाहता हूँ। इसका शीर्षक है सफ़ेद रात। थोड़ी कविता लंबी है लेकिन आप लोगों को अच्छा लगेगा, ये एक नया अनुभव होगा क्योंकि यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, उर्दू की भी कविताएं आ रही हैं और जो कुछ जिसे हम मंचीय कविताएं कहते हैं उस तरह की भी कविताओं का हमने आनंद लिया, कुछ गज़ल सराई भी हो रही है, तो बड़ा अच्छा माहौल है। तो ये एक अलग तरह की कविता है, इसमें आप देखेंगे हिंदी का माने हिंदी की एक माने हिंदी मार का कविता है कह लीजिए, है ना। तो सफ़ेद रात। पुराने शहर की इस छत पर, पुराने शहर की इस छत पर पूरे चांद की रात याद आ रही है वर्षों पहले की जंगल की एक रात, जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगल को और 12 सिंघे पीछे छूट गए 12 सिंघों को। निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में ओझल होते हुए क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? पीली मिट्टी के रास्ते और खरहे, महोगनी के घने पेड़, तेज महक वाली कड़ी घास, देर तक गोधूली ओस, रखवारे की झोपड़ी और उसके ऊपर 7 तारे। पूरे चांद की इस शहरी रात में किस लिए आ रही है याद जंगल की रात? छत से झांकता हूं नीचे, आधी रात बिखर रही है दूर दूर तक चांद की रोशनी। सबसे अधिक खींचते हैं फुटपाथ, खाली खुले आधी रात के बाद के फुटपाथ, जैसे आंगन छाए रहे मुझमें बचपन से ही और खुली छतें बुलाती रहीं रात होते ही कहीं भी रहूं। क्या है चांद के उजाले में इस बिखरती हुई आधी रात में एक असहायता जो मुझे कुचलती है और एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है। शहर में इस तरह बसे कि परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो, जैसे न पुरखे साथ आए, न गांव, न जंगल, न जानवर, शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही खत्म हो जाना, एक विशाल शरणार्थी शिविर के दृश्य, हर कहीं उनके भविष्यहीन तंबू। हम कैसे सफर में शामिल हैं कि हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी, सिर्फ कहने के लिए कोई अपना शहर है, कोई अपना घर है, इसके भीतर भी हम भटकते ही रहते हैं। लखनऊ में बहुत कम बच रहा है लखनऊ, इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद, कानपुर और बनारस और पटना और अलीगढ़, अब इन्हीं शहरों में कई तरह की हिंसा, कई तरह के बाजार, कई तरह के सौदाई,
इनके भीतर, इनके आसपास, इनसे बहुत दूर बंबई, हैदराबाद, अमृतसर और श्रीनगर तक हिंसा और हिंसा की तैयारी और हिंसा की ताकत। बहस नहीं चल पाती, हत्याएं होती हैं, फिर जो बहस चलती है उसका भी अंत हत्याओं में ही होता है। भारत में जन्म लेने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था, अब वह भारत भी नहीं रहा जिसमें जन्म लिया। क्या इस पूरे चांद की उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है, क्या लाहौर बच रहा है? वह अब किस मुल्क में है? ना भारत में, ना पाकिस्तान में, ना उर्दू में, ना पंजाबी में। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, क्या लाहौर फिर बस पाया? जैसे यह अछूती आज की शाम की सफेद रात एक सच्चाई है, लाहौर भी मेरी सच्चाई है। कहाँ है वह हरे आसमान वाला शहर बगदाद? ढूंढो उसे, अब वह अरब में कहाँ है? पूछो युद्ध सरदारों से इस सफेद हो रही रात में, क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते, वे तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना एक बच्चा ऊंट का चलता है, धू और गुबार से अंतरिक्ष की तरह खेलता हुआ। क्या वे एक ऊंट बना सकते हैं? एक गुंबद, एक तरबूज, एक ऊंची सुराही, एक सोता जो धीरे धीरे चश्मा बना, एक गली जो ऊंची दीवारों के साए में शहर घूमती थी और गली में सिर पर फिरोजी रुमाल बांधे एक लड़की जो फिर कभी उस गली में नहीं दिखेगी। अब उसे याद करोगे तो वह याद आएगी, अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, तुम्हारी याद ही उसकी गली है, उसकी उम्र है, उसका फिरोजी रुमाल है। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो अहिंसा ही थी उनका सबसे मुश्किल सरोकार। अगर उन्हें कबूल होता युद्ध सरदारों का न्याय तो वे भी जीवित रह लेते, बर्दाश्त कर लेते। धीरे धीरे उजड़ते रोज मरते हुए लाहौर की तरह बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया।